हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला आलू कोकम के साथ। मेरे पास है बॉइल्ड आलू, साथ ही साथ हमने लिया है नारियल या ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ हमने लिया था कोकम, उसे पानी में भिगो कर रखा था और फिर इसका पेस्ट बना लिया था इस तरह से। हमारे पास है जीरा, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ हमें लगेगा पिसा हुआ लहसुन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे तेल, उसमें डालेंगे जीरा, उसे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट और इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सभी मसाले और उसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कोकम का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ग्रेटेड नारियल या कोकोनट और इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड आलू। अगर आपको ये थोड़ा थिक लग रहा हो तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं। फाइनली हमारे आलू पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारे मसालेदार कोकम आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।